हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो साउथ इंडियन की बहुत ही फेमस रेसिपी है, मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया था 150 ग्राम दाल, उड़द की दाल है ये, और इसे भिगोकर अच्छे से मैंने इसे 4 घंटे के लिए भिगोया था। फिर से एक बार धोकर और मैंने इसे पानी से निकाल लिया है, और पीसने के बाद ये इस तरह से पेस्ट होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, पीसते समय हमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारा पेस्ट बहुत ही गाढ़ा रहे, जिससे ये बनाने में आसानी से बन जाए। तो हम शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। हम इसमें डालेंगे पहले मिर्च, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, हरा धनिया, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, नमक लेंगे 1/2 चम्मच। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, करीबन 4-5 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे, जिससे ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा और उसकी वजह से ये अच्छा फूलेगा और हमारे वड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। बड़ों की खासियत यही होती है कि वो अच्छे फूले होने चाहिए। इसे हम इसी तरह 4-5 मिनट के लिए मिक्स करते रहेंगे। ये अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है, अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। बनाने से पहले हम हाथ में पानी लगा लेंगे, आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं लेकिन पानी ज़रूर लगाइए, नहीं तो ये बहुत चिपकता है। हम ऑयल गरम करने के लिए रखे हुए हैं, इसको हम चेक कर लेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ कि नहीं। तेल गरम होना चाहिए जिससे कि ये ऊपर की तरफ आ जाए। तेल हमारा गरम हो गया है, ये ऊपर आ गया है। हाथ में हम पानी लगा लेंगे, उड़द की दाल बहुत चिपकती है इसलिए हम इसे हाथ में इस तरह से रख लेंगे। इसमें थोड़ा पानी लगा देंगे और इसमें हम एक बीच में होल कर देंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा। देखिए इस तरह से ये चिपकता है। हम इसे तेल में डाल देंगे, इसी तरह हम दूसरा वड़ा भी तैयार करेंगे। हम बड़ों को पलट लेंगे, ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। हम इस तरह की कलछी लेंगे और एक ऐसा बर्तन ले लेंगे, कोई भी कटोरी जो नीचे से फ्लैट हो, और इसको हम गीला कर लेंगे कलछी को। और गीला करने के बाद हम इसमें ये पेस्ट लेंगे और ये पेस्ट इसमें डाल देंगे बीचों बीच डालकर। हम इसे गोल आकार देंगे, और इसके बाद उंगली से हम इसे बीच में होल कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा चपटा कर देंगे, इससे इसकी शेप बराबर हो जाए, और इसे हम तेल में इस तरह से डाल देंगे।
बड़ा तैयार है। इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ बनाइए, खाइए और खिलाइए। और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।